हेलो एवरीवन, आज है 3 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एनबीसीसी इंडिया के बारे में। देखिए, कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई ये कंपनी है और सरकारी स्टॉक है ये। आपको अभी तक मैं बता दूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये स्टॉक है, कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई कंपनी है ये। 35 रुपए के ऊपर शेयर ट्रेड कर रहा है आज भी, जिसमें गिरावट हमें देखने को मिली है और पिछले कुछ दिनों से इसमें गिरावट ही चल रही है। देखिए, 4.5% की गिरावट है पिछले एक महीने में, लेकिन यहाँ पर आप देखिए 29th को 38 के रुपीज के आसपास था, तब से यहाँ पर गिरावट ही गिरावट चल रही है। तेजी आती है, फिर गिरावट आती है, फिर गिरावट आती है, फिर तेजी आती है, तो यही चीज इसमें चलती रहती है। पिछले एक साल की बात करेंगे तो पिछले एक साल में एनबीसीसी में 33% तक का गिरावट देखने को मिली है। 67 रुपीज तक का हाई है और 29 रुपीज तक का लो भी है। पिछले 3 साल में एनबीसीसी के शेयर्स में 51% तक की गिरावट है। देखिए, बहुत ज्यादा गिरावट है, लेकिन तेजी और गिरावट हमेशा इसमें देखने को मिली। आ चाहे आप ग्राफ देख लीजिए, यहाँ पर अगर गिरावट आती है तो तेजी भी आती है। और हाल फिलहाल में एनबीसीसी को लेकर एक और अपडेट है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो एनबीसीसी को प्राइवेट सेक्टर को बेच सकती है, और अगर ऐसा हो गया तो याद रखिए अभी ये शेयर कौड़ियों के भाव में मिल रहा है। अगर प्राइवेट सेक्टर के हाथ में एनबीसीसी चला गया तो शेयर्स में भयंकर तरीके से हमें तेजी देखने को मिल सकती है। हालांकि वो कब जाएगा उसके बारे में अभी तक कुछ कह नहीं सकते, वक्त लगेगा, लेकिन जा सकता है। मिड कैप स्टॉक है, 6,500 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएसई में देखेंगे तो 1.5 करोड़ जितना इसका वॉल्यूम ट्रेड है। नतीजे इनके बहुत 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 बुरे आए थे एनबीसीसी के, तकरीबन 100 करोड़ का नेट प्रॉफिट में इनको नुकसान हुआ था। आप देखिए, प्रॉफिट मार्जिन इनका माइनस में है, नेट सेल्स 1,665 करोड़ के नेट सेल्स है। नेट सेल्स भी डाउन हुए हैं, सितंबर 2018 में 2,104 करोड़ के थे, बाद में 1,900 करोड़ के रहे, बाद में 1,665 करोड़। तो क्वार्टर दर क्वार्टर नेट सेल्स में भयंकर तरीके से गिरावट है, नेट प्रॉफिट में भी गिरावट। 70 करोड़ का नेट प्रॉफिट 48 करोड़ तक पहुंचा है और अब तो 100 करोड़ का नुकसान भी है। और आप देखिए, प्रॉफिट मार्जिन में भी भयंकर तरीके से हमें गिरावट ही देखने को मिल रही है, काफी ज्यादा गिरावट है इसके प्रॉफिट मार्जिन में भी। प्रमोटर की होल्डिंग 65.93% है, प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग गिराई है। आप देखिए 2.25% की होल्डिंग प्रमोटर ने गिराई है, लेकिन जो होल्डिंग आगे बढ़ाई है, जो खरीदी है, वो एफआईएल है और म्यूचुअल फंड भी है, जिन्होंने काफी बड़ी होल्डिंग्स यहाँ पर बनाई हुई है। 6.39% की होल्डिंग एफआईएल के पास है, 4.33% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है, इंश्योरेंस कंपनी के पास कुछ भी नहीं है, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास 15.57% की होल्डिंग है। देखिए, प्रमोटर के द्वारा एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 24 म्यूचुअल फंड स्कीम ने अपना पैसा लगाया है, 88 एफआईएल ने यहाँ पर अपना पैसा लगाया है। प्रमोटर विथ हाईएस्ट होल्डिंग की बात करेंगे तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मतलब गवर्नमेंट स्टॉक है ये, 65.93% की होल्डिंग है। एलआईसी के पास भी 6.55% की होल्डिंग है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग यहाँ पर 12.55% के करीब की है। अगर हम बात करेंगे डिविडेंड की तो 65% का डिविडेंड दे रहा है, मतलब पर शेयर आपको 65 पैसा मिल रहा है। देखिए, बहुत पहले एक अपडेट थी, 29 नवंबर को एक अपडेट थी कि जेपी इंफ्रा लेंडर्स आस्क एनबीसीसी टू ऑफर मोर लैंड। देखिए, जो काफी वक्त से खबरें चली आ रही है कि जेपी के जो अधूरे प्रोजेक्ट्स हैं उसको एनबीसीसी पूरा कर सकती है, और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी था। तो अभी जेपी इंफ्रा के लेंडर्स ने एनबीसीसी से मोर और ज्यादा जमीन की भी मांग की है, उसको लेकर नई अपडेट आई है कि जेपी इंफ्रा टेक केस एनबीसीसी में ऑफर 10% मोर लैंड टू लेंडर्स। देखिए, तो लेंडर्स को 10% ज्यादा जमीन एनबीसीसी ऑफर कर सकता है। तो अपडेट कुछ इस तरीके से है कि विथ ओनली अ डे लेफ्ट फॉर द टू बीडर्स ऑफ जेपी इंफ्राटेक टू सबमिट देयर रिवाइज रिजोल्यूशन प्लान, द गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन आर्म एनबीसीसी इज एक्सपेक्टेड टू ऑफर नीली 10% मोर लैंड टू द लैंडर्स, रिड्यूस द टाइमलाइन फॉर द कंपटीशन अबाउट 20,000 फ्लैट्स बाई 3 to 4 months इन इट्स रिवाइज बिड। तो देखिए, यहाँ पर 20,000 फ्लैट्स बनाने का बहुत बड़ा प्लान है यहाँ पर, और जैसे कि बताया जा रहा है कि ये लोग जो 10% की नई जमीन भी इनको मिल सकती है, 10% ज्यादा जमीन यहाँ पर ये लोग प्रोवाइड करवा सकते हैं। इट में ऑल्सो डिसाइड कीप द शेयर ऑफ अनक्लेम फ्लैट्स विद इटसेल्फ, सोर्स सेड एडिंग इट में नाउ कंसिडर गिविंग एडिशनल लैंड टू द लेंडर्स इन लाई ऑफ द ऑफर टू प्रोवाइड प्रॉफिट शेयर इन अनक्लेम फ्लैट्स। देखिए, यहाँ पर प्रॉफिट शेयर भी यहाँ पर मिलेगा,
और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि करंट प्रपोजल एनबीसीसी हैज सेड दैट इट विल शेयर 50% ऑफ द सेल प्रोसीड ऑफ बेनामीज और द अनक्लेम फ्लैट्स फॉर द सेल प्रोसीड रिवाइजेबल। तो देखिए सारे के सारे 20,000 के ज्यादा फ्लैट्स यहाँ पर है, वो शायद कंप्लीट होने के यहाँ पर चांसेस है और एनबीसीसी को ये दिया जा सकता है। और अगर ये वाकई में एनबीसीसी को ये डील मिल जाती है तो काफी अच्छी बात होगी, जिनको जिनका पैसा इतने वक्त से फंसा हुआ है, जो जिनको अभी भी घर नहीं मिले हैं उनको घर मिल जाएंगे और डेफिनेटली एनबीसीसी को एक बड़ा प्रोजेक्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर हम बात करने जाए मनी कंट्रोल में, तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल 57% बाइंग रेटिंग है, 39% सेल है, 4% होल्ड रिकमेंडेशन यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। कर्जे की बात करें देखिए तो 1 रुपए का भी कर्जा इनके ऊपर नहीं है, ये बहुत ही अच्छी बात है कि कर्जा नहीं है कंपनी के ऊपर। और तो और अगर हम बात करने जाए तो काफी सारे म्यूचुअल फंड ने यहाँ पर अपने होल्डिंग्स बनाई हुई है। तो ओवरऑल मैं यही कहूंगा कि देखिए एनबीसीसी का शेयर जो है वो पॉजिटिव अपडेट्स आने वाले दिनों में हमें देखने को मिल सकती है। अगर ये इसका प्राइवेटाइजेशन हो जाता है तो डेफिनेटली जिन्होंने भी पैसा लगाया है उनकी चांदी जरूर हो जाएगी यहाँ पर, लेकिन उसमें वक्त लगेगा, ठीक है, उसमें वक्त लगेगा। और अभी कितना वक्त लगेगा उसके बारे में कहना थोड़ा मुश्किल है। तो मैं यही कहूंगा कि हाल फिलहाल में एनबीसीसी पे नजर जरूर रखें, लेकिन खरीदारी करने के लिए जल्दबाजी ना करें। और अगर खरीदारी की हो और अगर आप लॉस में हो तो पैनिक होने की भी जरूरत नहीं है, बने रहिए। डेफिनेटली आपको लॉन्ग टर्म में ये शेयर आपको बढ़िया प्रॉफिट देने का पूरा दमखम रखता है। तो बाकी मर्जी आपकी है, आपको एनबीसीसी में क्या करना है उसका डिसीजन आप ही को लेना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और एनबीसीसी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। और लास्ट में सिर्फ इतना कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज अभी इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू।